नवनिका खुद को दर्पण में निहारते हुए कहती है, वाह वाह, मेरे बदन की बनावट कितनी खूब है, ना कहीं से कम ना कहीं से ज्यादा, एकदम बराबर। पूरे नागलोक में मेरे जैसी शरीर की बनावट वाली कोई नागिन नहीं है, सब जलते हैं मुझसे। नवनिका ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सखी रूपा वहाँ आकर कहती है, अब तुम्हारा खुद को निहारना, खुद की तारीफ करना पूरा हो गया हो तो अब हम चले, शिव की आराधना का समय हो रहा है। चलो। इतना कहकर दोनों सहेलियाँ नागलोक के शिव मंदिर में जाती हैं और शिव की आराधना करती हैं। शिव की आराधना करके जब दोनों सहेलियाँ घर आ रही होती है तभी रूपा बोलती है, नवनिका एक बात बता, तू खुद को इतना लुभावना दिखाने के लिए क्या करती है? अरे करना क्या है, सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा रेंगती हूँ, जहर के साथ साथ ताजे फल भी खाती हूँ, समय समय पर दूध पीती हूँ और नागिन डांस भी कर लेती हूँ। वाह, काफी मेहनत करती है तू खुद को ऐसा दिखाने के लिए। आखिर तुम ही बताओ कि कोई मुकाबले में है मेरे इस लुभावने बदन के? नहीं नवनिका, कोई भी नहीं है जो तेरी खूबसूरती और तेरे इस लुभावने बदन का मुकाबला कर सके, तू अकेली ही है। दोनों सहेलियों की सारी बातें पेड़ के पीछे छुपी हुई वेदना नागिन सुन लेती है, जो देखने में थोड़े दबे रंग की थी, साथ ही वो थोड़ी मोटी भी थी, जिसके चलते नागलोक के ज्यादातर नाग नागिन उसका मजाक बनाते रहते थे। वो उन दोनों की बातें सुनकर खुद से कहती है, बड़ा घमंड है ना इस नवनिका को अपने बदन की बनावट पर, अपनी अच्छी सेहत पर। इसके बदन की बनावट के चलते हम जैसी मोटी नागिनों को तो नागलोक के नागों ने देखना और सूंघना ही बंद कर दिया है, जिसे देखो बस नवनिका के गुण गाता है। पर कसम है मुझे भी अपने नसों में दौड़ रहे जहर की, इस नवनिका के बदन की बनावट को बिगाड़ ना दिया तो मेरा नाम भी वेदना नहीं। इतना कहकर वेदना सरपट रेंगती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ नवनिका अपनी सेहत को और अपने रूप को और निखारती है, जिसके चलते पूरा नाग लोग उसकी चर्चा करता रहता है और वो सभी नागों के ख्वाबों की मल्लिका बन जाती है। ऐसे ही एक दिन नवनिका फूलों की बगिया में नागिन डांस कर रही थी, तभी वहाँ पर वेदना आकर कहती है, क्या बात है नवनिका, बड़ी मेहनत कर रही हो। क्या करूँ वेदना, खुद की सेहत को अच्छा दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा ये बात है क्या, भला डांस करने से सेहत का क्या लेना देना? अरे देखो, हम जब नाच करते हैं तो हमारे बदन से बहुत सारी ऊर्जा लगती है, इस ऊर्जा से हमारे बदन को पसीना आता है और पसीने से हमारी सेहत पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है, हम मोटे भी नहीं होते, साथ ही त्वचा भी चमक उठती है एकदम शीशे की भांति। अच्छा ठीक है, मैं तो कहती हूँ वेदना तुम भी ये सब किया करो, तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसा बनने की। अरे गुस्सा क्यों होती हो, मैं तुम्हें कोई ताना थोड़ी दे रही हूँ या फिर तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, मैं तो तुम्हारा भला सोचते हुए कह रही हूँ। पता है मुझे कि तुम कितना भला सोचती हो और कितना नहीं, तुम्हें बस घमंड है अपने शरीर की बनावट पर और सेहत पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं वेदना, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं गलत सोच रही हूँ ना तो तुम भी सही नहीं बोल रही, मैं भली भांति जानती हूँ कि जितना सुंदर रूप है ना तुम्हारा उतनी ही काली काया है। इतना कहकर वेदना वहाँ से गुस्से में रेंगती हुई चली जाती है और अब वो अपना पक्का मन बना लेती है कि वो नवनिका की सेहत और उसकी बदन की बनावट को बिगाड़ कर ही दम लेगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नागराज अपने जन्म दिवस की खुशी में पूरे नागलोक में जश्न का ऐलान करते हैं। सभी नाग नागिन तरह तरह के उपहार लेकर उनके पास जाते हैं और जश्न का आनंद लेते हैं। तभी हाथों में एक जहर का भरा हुआ प्याला लिए वेदना नवनिका के पास आकर कहती है, कैसी हो नवनिका? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ, अपने उस दिन के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम्हारी जरा सी बात पर मैं भड़क गई थी। अरे कोई बात नहीं, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। चलो फिर इसी बात पर ये जहर का प्याला पी लो, खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम ये जहर पी लोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे ये बात है, लाओ पी लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी
सेहत का ख्याल रखने के चक्कर में काफी दिनों से जहर नहीं पिया, आज पी लेती हूँ। इतना कहकर नवनीका वेदना के हाथों से जहर का भरा हुआ पात्र लेती है और फटाफट से सारा जहर पी जाती है। कुछ देर बाद जश्न समाप्त होता है और सभी नाग नागिन अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही नवनीका सोकर उठती है और खुद को शीशे में देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, हे भोलेनाथ, ये सब कैसे हो गया? एक रात में मेरे शरीर में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है? मेरा रंग रूप कैसे ढल गया? मैं इतनी मोटी कैसे हो गई? ये सब कैसे हुआ? मेरा लुभावना बदन इतना भद्दा क्यों दिख रहा है? नवनीका इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त रूपा आती है और नवनीका की हालत को देखकर कहती है, हे भोलेनाथ, जिसका डर था वही हुआ, आखिरकार उस वेदना ने अपनी चाल को अंजाम दे ही दिया। क्या मतलब है तुम्हारा रूपा? मतलब साफ है नवनीका, ये जो भी हो रहा है सब कुछ वेदना ने किया है। कल जो जहर उसने तुझे पिलाया वो कोई आम जहर नहीं था, बल्कि शक्तियों से बनाया हुआ जहर था, जिसमें से कुछ जहर वेदना ने पिया था और बाकी का उसने तुझे पिला दिया। अब तो उस जादुई जहर की वजह से उसकी तरह मोटी और भद्दी दिखने लगी है और वो तेरी जैसी खूबसूरत। चल मेरे साथ वहाँ देख कर आते हैं। इतना कहकर रूपा जल्दी से नवनीका को उसकी गुफा से वेदना की गुफा के बाहर ले आती है और दोनों छुपकर वेदना को देखने लगते हैं। और अब वेदना एक बहुत रूपवान और अच्छी सेहत और साथ ही अच्छी बनावट वाले शरीर की नागिन बन चुकी थी। ये सब देखकर नवनीका के होश उड़ जाते हैं और वो रूपा से कहती है, रूपा अब हम क्या करेंगे? ये तो सरासर गलत है। अगर वेदना को मुझसे जलन थी, मुझसे दिक्कत थी तो मुझसे खुद आकर कहती, पर उसने जो किया गलत किया, उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करती रहना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं, जहाँ एक तरफ वेदना नवनीका का रूप चुराने के बाद से चर्चा में थी तो वहीं सभी नवनीका का मजाक बना रहे थे। रूपा अपनी शक्तियों से वैसा ही जहर तैयार करती है जैसा वेदना ने किया था, जिसके बाद वो एक सुंदर नाग का रूप लेकर वेदना के पास जाती है और उसे अपनी बातों से मोहित करके वो जहर पिला देती है और उसकी शक्तियाँ अपना असर दिखाना शुरू करती है। तभी रूपा अपने असली रूप में आकर कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि शक्तियों का इस्तेमाल करना बस तुम्हें ही आता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इस नागलोक की नागिने हैं, बदला लेना हमें भी आता है, जैसा तुम करोगी वैसा ही मिलेगा। वेदना, तुम्हें मुझसे शिकायत थी तो तुम मुझसे कहती, पीठ पर छुरा घोपने की क्या जरूरत थी? अब पूरे नागलोक में तुम्हारी बदनामी होगी, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। गलत करने से पहले एक बार ये तो सोच लेती कि शिव सब कुछ देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं। नवनीका और रूपा की सारी बातें सुनकर वेदना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, साथ ही अब वो कभी नवनीका को कुछ नहीं कहती। मायशा एक शक्तिशाली नागिन के आगे अपने पति मिहिर की दीवार बनकर खड़ी होती है और गुस्से में नागिन से बोलती है, तुझे क्या लगता है मेरे पति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर तू उनको हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं, मेरे होते तू उनको अपने साथ कभी भी नहीं ले जा पाएगी। तो मूर्ख हो गया जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो? अरे मैं नागिन हूँ नागिन, जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ, मिहिर को मेरे हवाले कर दो और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी प्यास मिहिर को पाकर ही बुझेगी। आखिर एक नागिन इंसान के साथ युद्ध क्यों कर रही है, जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। मायशा और मिहिर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, दोनों पति पत्नी अपनी पहली सालगिरह का केक काटते हैं और जश्न मनाते हैं। सब कुछ एक बहुत प्यारे सपने की तरह चलता है, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को किसी की नजर लगते कहां देर लगती है। ऐसे ही मायशा और मिहिर की खुशियों को भी नजर लगने वाली थी। एक सुबह मिहिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर मायशा से बोलता है,
बेबी मेरा लंच दे दो, लेट हो रहा हूँ। तुम जानती नहीं हो मेरे बॉस को, एक नंबर का कमीना इंसान है, 2 मिनट लेट होने पर मेरा हाफ डे लगा देगा। अच्छा बाबा आ गई, ये लो तुम्हारा लंच। और तुम्हारा बॉस ज्यादा ड्रामेबाजी दिखाए तो मुझे फोन मिला देना, मैं आकर बताऊंगी। हाँ मेरी झांसी की रानी, मुझे पता है मेरे ऊपर आने वाले हर खतरे को तुम रोक लोगी। अच्छा बाय, मैं जाता हूँ। मिहिर मायशा को गले लगाकर उसको बाय बोलता है और काम के लिए निकल जाता है। घर के बाहर की सड़क पर खड़े हुए वो रिक्शे का वेट करते हुए बोलता है, यार आज ये रिक्शे वालों ने भी हड़ताल कर रखी है क्या, आ ही नहीं रहे। मिहिर जल्दबाजी में इधर उधर देखने लगता है, तभी उसके पीछे से आ रही नगीना नाम की एक लड़की से वो टकरा जाता है और उसको बचाने के चक्कर में वो उसे संभाल के अपनी बाहों में भर लेता है। इसके बाद वो लड़की एक टक मिहिर को देखती रहती है उसकी नीली नीली आंखों में, जैसे मिहिर की तस्वीर सी छप जाती है। इतने में मिहिर उसे संभालते हुए बोलता है, अरे मैडम आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, सॉरी मेरी वजह से आप गिर जाते। अरे नहीं नहीं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही थोड़ी जल्दबाजी में था। वो क्या है ना, मेरा बॉस बड़ा खड़ूस है, लेट आने पर बहुत सुनाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप? पर आप तो खुद पैदल जा रही थी, तो आप कैसे छोड़ेंगी? मिहिर के ये सवाल करने पर नगीना अपनी आँखों से उसके पीछे सड़क के किनारे रखे एक बेंच को चमचमाती कार में बदल देती है, जिसके बाद वो उसे बोलती है, देखिए पीछे मेरी कार खड़ी है, मैं वहीं तक पैदल चल के जा रही थी। मिहिर इतनी बड़ी और चमचमाती कार को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन ऑफिस के लिए उसे देर हो रही थी। ये देखकर वो बिना कोई सवाल किए नगीना के साथ जाने को तैयार हो जाता है। कुछ ही पलों में वो उसे ऑफिस छोड़ देती है, जहां वो कार से उतरकर उससे बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आपने मेरी इतनी मदद करी और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम मिहिर है, अब आप अपना भी बता दीजिए। जी मेरा नाम नगीना है, मैं इस शहर में नहीं हूँ। वाओ आपका नाम तो किसी नागिन जैसा है। चलिए नगीना जी, भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे, एक बार फिर से शुक्रिया, अभी मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मिहिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन नगीना को वो पहली ही नजर में भा गया था। उसके जाने के बाद वो उसकी महक को याद करते हुए बोलती है, भगवान नहीं मैं चाहूंगी अब आपसे दोबारा मिलना, क्योंकि इस नागिन को आपसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है। नगीना अपनी कार जैसे ही आगे बढ़ाने वाली होती है, उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर उसको कार से निकालते हुए एक सुनसान जगह ले जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, नागलोक के नाग नागिन को यूं इंसानों के बीच रहने की इजाजत नहीं है। नगीना अपने नागिन रूप में आ जाती है और नागलोक से आए नागेंद्र को बोलती है, मुझे नहीं आना नागलोक वापस, वैसे भी मेरे प्यार की प्यास इस धरती पर ही बुझेगी, मुझे एक इंसान से प्यार है और उसे हासिल करना तो मेरी जिद है। तुम पागल हो गई हो नगीना, नाग इंसानों की मदद के लिए ही धरती पर आते हैं, किसी को अपना बनाने नहीं। क्यों नाग नागिन को प्यार की चाह नहीं हो सकती क्या, और वैसे भी मैंने अपना मन बना लिया है, जब तक मैं अपने प्यार को हासिल न कर लूं तब तक मैं उसे लिए बिना नागलोक नहीं आऊंगी। इतना बोलकर नगीना अपने नागिन रूप में रेंगते हुए पल भर में नागेंद्र की आँखों से ओझल हो जाती है। वक्त बीतता है और इसी के साथ नगीना मिहिर से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढती, लेकिन अब तक वो ये नहीं जानती थी कि मिहिर शादीशुदा है। एक शाम जब मिहिर ऑफिस से घर जा रहा होता है तो रास्ते में नगीना अपनी कार से उसे लिफ्ट देती है, जहां मिहिर उससे बोलता है, नगीना जी इतना टाइम हो गया आपको इस शहर में आए हुए, आप अभी तक मेरे घर नहीं आई, क्यों ना आज आप मेरे घर चलें, मेरे परिवार वालों से मिलकर आप बहुत खुश हो जाएंगी, मैंने सबको आपके बारे में बताया हुआ है। अच्छा जी चलिए फिर आज ही चलती हूँ। अच्छा है अब मैं तुम्हारी तरह ही तुम्हारे परिवार को भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लूंगी और तुम्हें जल्दी से अपना बना लूंगी। नगीना मिहिर के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अपनी पत्नी और माँ का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, माँ और मायशा ये है नगीना जी, मैंने बताया था ना जिन्होंने मेरी मदद करी थी, और नगीना जी यह है मेरी माँ और यह है मेरी बीवी मायशा। क्या बीवी? मिहिर एक शादीशुदा इंसान है, ये जानकर नगीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नागलोक का उसूल होता है
कि एक नागिन कभी भी किसी शादीशुदा इंसान से विवाह नहीं कर सकती। ये सोचकर वो मन में बोलती है, मैं अपने प्यार को बस इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। नहीं, मैं मिहिर को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती, फिर चाहे मुझे उसके लिए उसकी पत्नी को मारना ही क्यों ना पड़े, पर मैं मिहिर को हासिल करके ही रहूंगी। क्या हुआ नगीना जी, मैं इनकी बीवी हूँ, इस बात पर आप इतना चौंकी क्यों? वो मिहिर इतना हैंडसम है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो शादीशुदा है, इसलिए थोड़ा हैरान हो गई थी। नगीना मिहिर के साथ खाना खाती है और कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है, जहां वो अपने नागिन रूप में आकर बोलती है, मैं मिहिर को पाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कल के कल ही उसे अपने साथ नागलोक ले जाऊंगी, जहां उसकी बीवी उसे सपनों में भी नहीं ढूंढ पाएगी। नगीना अगले दिन मिहिर के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करती है और उसके आते ही अपनी कार में बिठाकर उसको एक सुनसान जगह ले जाती है और कार को रोककर बोलती है, मिहिर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या नगीना जी, और आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? नगीना मिहिर के सामने अपना नागिन रूप धारण करती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो डरकर वहाँ से भागकर छुप जाता है और अपनी बीवी मायशा को कॉल करके बोलता है, मायशा ये नगीना एक नागिन है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ घर के पास वाले पार्क में हूँ। क्या आप ठीक तो हैं? मैं अभी आती हूँ मिहिर जी। मिहिर इतना बोलकर कॉल कट कर देता है, लेकिन मायशा को उसकी फिक्र होने लगती है और वो घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ नगीना वापस अपने इंसानी रूप में आकर मिहिर को ढूंढते हुए बोलती है, मिहिर मेरी जान डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमको पाने के लिए ही तो ये सब किया है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी, और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे कैसे ले जाओगी, मेरे होते मेरे पति को तुम हाथ भी नहीं लगा सकती। मायशा एक शक्तिशाली नागिन के आगे अपने पति मिहिर की दीवार बनकर खड़ी थी और गुस्से में नागिन से बोलती है, तुझे क्या लगता है मेरे पति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर तू उनको हासिल कर लेगी? कभी भी नहीं, मेरे होते तू उनको अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो मूर्ख हो गया जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही चुनौती दे रही हो। अरे मैं नागिन हूँ नागिन, जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ, मिहिर को मेरे हवाले कर दो और अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरी प्यास मिहिर को पाकर ही बुझेगी। इतना बोलकर नागिन अपने आँखों से एक शक्तिशाली वार करती है, लेकिन तभी नागलोक में नागेंद्र मायशा के सामने ढाल बनकर आता है और नगीना पर एक जोरदार प्रहार करके बोलता है, तुमने नागलोक के नियम के विरुद्ध एक शादीशुदा व्यक्ति को अपना बनाना चाहा और इतनी बड़ी साजिश रची, इसलिए नाग देवता ने मुझे तुमको बंदी बनाने का हुक्म दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नागेंद्र, आज पहले तुम्हारी मौत होगी, फिर इस मायशा की मौत होगी, और फिर मैं मिहिर को अपना बनाकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नगीना और नागेंद्र का एक भयंकर युद्ध होता है, जिसका अंत नगीना को बंदी बनाकर होता है और वो नागलोक लौटते हुए मायशा से बोलता है, धन्य है तुम्हारा पति जो उसको तुम जैसी पत्नी मिली, एक इच्छाधारी नागिन के आगे बिना शक्तियों के तुम अपने पति के लिए खड़ी हो गई। सच्चे पतिव्रता नारी की यही पहचान है। अब आपको नगीना से कोई खतरा नहीं है, आप वापस अपनी जिंदगी में लौट जाइए और अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिताइए।